चलूंगी जर्मनी के मेले में। तो यहाँ पे फेस्ट लगा है क्योंकि ऑटम चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हेप्स फेस्ट, एंड उसका नाम मैं लिख दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हर साल ना 2-3 बार फेस्ट होता है, जैसे कि समर फेस्ट, देन ऑटम फेस्ट, और एक स्प्रिंग वाला फेस्ट भी होता है, और विंटर्स में तो होता ही है क्रिसमस। तो क्रिसमस में मतलब क्रिसमस का मार्केट वगैरह लगता है, तो मेले जैसा ही लगता है, मतलब काफ़ी बड़ा। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ अपने बस का, मैं बस स्टेशन पे खड़ी हूँ, तो अभी मेरी बस आ जाएगी, तो चलते हैं। और न्यूज़ टू में लगा है वो फेस्ट, और आज थर्सडे है, तो आज ना वहाँ पे जितने भी एडवेंचरस स्विंग्स होते हैं, झूले वूले होते हैं ना, तो उनको ऑफर चल रहा है 30-40%। तो चलो फिर मेरे साथ बने रहो इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है सोनिया, मैं रहती हूँ जर्मनी में, और मैं बनाती हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू जर्मनी। तो ठीक है, तो आगे मिलते हैं। जर्मनी के मेले में आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये काफ़ी बड़ा मेला लगा है, इसमें 250 स्टॉल्स लगे हैं, एंड ये साल में एक बार तो होता ही होता है ऑटम के टाइम पे। तो चलो अंदर चलते हैं, कम ऑन। तो आई थिंक मेले में आप सब लोग गए होंगे इंडिया में, और मैं बहुत सालों बाद आई हूँ मेले में। मतलब मैं गई थी बचपन में भी, और थोड़े कॉलेज टाइम वगैरह पे भी मैं गई थी एक बार, बट अभी काफ़ी साल हो गए उसके बाद मैं मेले पे आई हूँ। एंड यहाँ की जो वाइब है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही हैप्पी वाइब लग रही है। तो यहाँ पे ऐसी शॉप थी जिसके अंदर फ्लैग्स मिल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि ब्रेसलेट्स, कैप्स और रिंग्स, चेन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से मैंने एक फ़्लैग ख़रीदा इंडिया का, जो कि मुझे 10 यूरो का पड़ा, मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूँगी। एंड एक मैंने की चेन लिया था यहाँ से, वो 5 यूरो का था। तो बहुत सारी ऐसी यूनिक यूनिक टी शर्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल रही थी, तो आप ले सकते हो अगर आप मेले में जाओगे। जैसे इंडिया में मिलता है, यहाँ पे देखो कैप्स हैं, जैकेट्स हैं, और कैप्स हैं लेदर वेदर की भी, मतलब जैकेट्स थी, कैप्स थी, बेल्ट्स थे, एंड बैचेस थे बहुत सारे। तो यही सब था, तो आप देख सकते हो। तो गाइज़ ये शॉप ना बड़ी कॉमन है जर्मनी में, हर आपको क्रिसमस मार्केट में या ऐसे फन फेयर में, आपको मेले में दिखने को मिल जाएगी। तो ये जो हार्ट शेप के टंगे हुए हैं ना, तो ये ना एक टाइप का मतलब केक कुकी है, जो कि जिंजर से, अदरक से बनता है। तो ये यहाँ पे बड़ा कॉमन है, आप डेकोरेशन के पर्पज़ से ये लोग यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे रोस्टेड आलमंड्स एंड बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जो कि आपको 100 ग्राम्स मिल जाएंगे 3.5 यूरोज़ के। तो हाँ, ये बड़ी कॉमन शॉप है। तो ये भी काफ़ी जगह पे ये शॉप थी, जैसे 250 स्टॉल्स है, तो बहुत जगह पे मतलब लाइक रिपीटेड शॉप्स भी थी। तो और बाकी आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, बहुत भीड़ थी, क्योंकि इस दिन फैमिली डे था और ऑफ़र था हर चीज़ों पे 30-40%। मतलब हर चीज़ों पे तो नहीं था, बट आई थिंक खाने की चीज़ों पे था। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार वाली मतलब गेम है, कि आप कार से मतलब एक दूसरे को हिट कर सकते हो और रेसिंग टाइप कर सकते हो। तो ये सब था, एंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शॉप थी, बहुत सारे गेम्स थे, देन यहाँ पर भी कुछ खाने के नूडल्स हैं, एंड बहुत सारे जो स्टॉल्स थे उनका रिपीटेशन था, जैसे कि यहाँ पे नूडल का शॉप है तो 2-3 शॉप छोड़ के फिर एक नूडल का शॉप है, तो ऐसा था।
एंड मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारे लाइटेड लग रही थी हर चीज़, अंधेरा था तो बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड मतलब काफ़ी एक होती ना फन वाली वाइब भी आ रही थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पे कैंडीज़ वगैरह मिल रही थी, कॉटन कैंडी, आप देख सकते हो बच्चे घूम रहे हैं खाने के लिए, यानी बच्चों का एक राइड था। एंड लुक एट द जाइंट व्हील गाइस, या पास से देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतना बड़ा था ये, बहुत ह्यूज था। तो ऑलरेडी मैं इसमें बैठी हुई हूँ, मैं एक बार क्लोन गई थी, तो इसमें क्या होता है कि आप बहुत स्लो ही घूमता है, बट अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको पूरा व्यू आएगा। देन यहाँ पे एक गेम था, तो आपको इस स्टार्स को हिट करना था, आपको 5 यूरो में 7 चांसेस मिलेंगे, तो 7 बार आपको हिट करना है। अगर आप हिट कर पाओगे तो फिर आपको गिफ्ट मिलेगा, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज़ थे और अलग अलग गेम्स थे, जैसे इंडोर गेम्स, कार्ड्स वगैरह आप ले सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आप कितनी बार हिट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो गेम्स थे। तो ये सब था, तो फिर काफ़ी लोग खेल रहे थे यहाँ पर, मैंने देखा था। एंड यहाँ पे एक मशीन थी इसके लिए, तो यहाँ पे कॉइन्स डालो तो यहाँ से आपको मतलब वो मिल जाएंगे चांसेस का कार्ड वगैरह। फिर यहाँ पे नूडल्स है, तो मैंने फिर वेज नूडल्स ये खाए। मैंने ये नूडल्स ले लिए हैं, ये 5 यूरो के लिए मैंने, और ये वेज नूडल्स हैं। तो ये शॉप है, सामने देख सकते हैं। तो चलो ट्राई करके बताती हूँ आपको कैसे है। टेस्टी है बट मीठा है, मैंने मिर्ची डालने के लिए बोला था बट मीठा है, बट अच्छा है। चलो मैं खा लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे और एक गेम था, तो ये भी छोटा सा ही गेम था, तो आप भी खेल सकते हो, बच्चों के लिए था बेसिकली, मुझे तो ऐसा लग रहा था। तो ये वो बॉल गेम होता है ना, वैसे ही था। यहाँ पे ग्लासेस देखो अरेंज कर रखे हैं, एंड इसको आपको हिट करना था। अगर आपने जितनी बार हिट किया, जितने ज़्यादा मतलब गिरे, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स थे एंड उनके अकॉर्डिंग गिफ्ट था। और ये गेम था, ये बच्चों के लिए था, इसमें बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए थे, ये मूव कर रहे थे, बट आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या था, कैसे खेलना था, आई डोंट नो इट। फिर यहाँ पे देखो आप अलग अलग व्हीकल से बच्चों के लिए राइड बना रखी है, कितनी सुंदर लग रही है ना, मतलब एकदम ऐसे मुझे भी मन करे कि अभी बैठ जाऊँ मैं इसमें, बट ये बच्चों के लिए था। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर ये मतलब यहाँ पे बो एंड एरो वाला गेम था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लोग ना मतलब उसको बहुत ज़्यादा मतलब हिट करने का ट्राई कर रहे थे, इवन बहुत एक लड़का था वो बहुत अच्छे से मतलब उसको हिट कर रहा था। तो इसमें भी यही था कि आई थिंक 1 यूरो में 2 चांसेस थे ऐसा कुछ, तो आपको हिट करना था, देन अगर आप हिट कर पाओगे कितनी बार तो उसके अकॉर्डिंगली आपको गिफ्ट मिलेगा। देन ये जाइंट व्हील का जो राइड था, ये सिर्फ 2.5 यूरो का था। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि मैं क्लोन में जब गई थी तो ये 8 यूरो का था, तो यहाँ पर काफ़ी मतलब चीप लगा मुझे, या तो फैमिली डे था तो इन लोगों ने चीप कर रखा था। तो ये बेसिकली लिए क्या होता है, जाइंट व्हील होता है और बहुत धीरे धीरे घूमता है, इसमें आपको व्यू लेना होता है आराम आराम से। तो मैंने क्लोन में ऑलरेडी लिया है, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, आप भी जाओगे तो पक्का, मेले वेले में अगर जाओगे तो पक्का व्यू ले सकते हो वहाँ पे जाके। देन यहाँ पे ये टेडी वाला गेम था जो होता ही है, इसमें कैच करना होता है टेडी को कॉइन डाल के, तो ये मैंने ट्राई किया फिर। तो वीडियो में आप बने रहो, देखो आगे क्या हुआ मेरे साथ।
कैसे करूँ, गिर सकता है, मुझे नहीं पता। तो गाइज़ मैंने ये ना लकी ड्रॉ ट्राई करा, तो ये क्या था, 5 यूरो के आपके 25 आपको चिट्स खरीदने थे, मतलब आपको एक पैकेट खरीदना, उसमें 25 चिट्स होंगे, देन आपको उनको खोल खोल के ना मिसमैच करना है। उन्होंने थीम्स रखी हुई थी, जैसे लाइक उसमें हार्ट शेप बना हुआ था, तो 3 अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होंगे तो उस पर फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेडी बियर मिलेगा, ठीक है, 100 पॉइंट्स होंगे तो आपको एक पांडा मिल जाएगा। तो सॉफ्ट टॉयज थे बेसिकली जो गिफ्ट्स थे, तो आप देख सकते हो। तो मैंने 5 यूरो अपने स्पेंड करे, देन मैंने उनको मेहनत करके खोला, तो आप देख सकते हो एंड में मुझे क्या मिला। मुझे लिटरली बहुत ही फनी लगा ये, एंड मतलब मेरे को बच्चों जैसा फील हो रहा था कि मैं एक बच्ची बन चुकी हूँ। मेरे को एक की चेन मिला, मतलब वो उसमें मतलब स्माइली बना हुआ था, सॉफ्ट मतलब स्माइली सॉफ्ट टॉय का छोटा सा, एंड काफ़ी क्यूट लगा वैसे ये मुझे, बट लिटरली बहुत फनी स्टैंड था। मुझे बहुत हंसी आ रही थी अपने ऊपर कि मैंने 5 यूरो 500 दे करके 500 रुपये मैंने खर्च करके मतलब ये इसको खेला एंड मैंने ये जीता। फिर यहाँ पे एक और गेम था, तो ये बच्चों का गेम था, आपको कैंस गिराने थे, मतलब किक मार के जैसे फुटबॉल में हम बेसिकली खेलते हैं। देन ये झूला आप देख सकते हो, ये झूला तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बट उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ये नहीं झूला। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। फिर उसके बाद मैंने ये स्पाइरल पोटैटोज़ खाए, तो ये भी काफ़ी फेमस है जर्मन के मार्केट में या मेले में जो भी फंक्शन लगता है। तो गाइज़ अब मैं थोड़ा शोर शराबे से थोड़ा हट के यहाँ पे बैठ गई, यहाँ पे जगह है पार्क जैसा है, ये हमारा मार्क है, ये हमारा मेला है और यहाँ पे हमारी जगह है। तो मैंने लिए ये स्पाइरल पोटैटोस, मतलब स्पाइरल कार्टोफिल बोलते हैं जर्मन में, और ये है 3.5 यूरोस का। तो ये खा रही हूँ मैं, टेस्टी हो रहा है, और मैंने इसमें सॉल्ट डलवाई है लहसुन वाली। मज़े का हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हालत खराब करवा दी इसने। हम झूले में बैठे और इसकी हालत खराब हो गई। मतलब इतनी तेज घुमा, इतनी तेज घुमा, उल्टी जैसा फील हो रहा है। मुझे भी मजा आया। तो हे गाइस, दिस इज 2 or 3 days आफ्टर दैट फेस्ट। तो एक्चुअली आई डिडंट गेट टाइम टू व्लॉग और शूट एनी मोर, तो मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं। आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो मैं आ गई थी घर जल्दी, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं। तो हाँ, मुझे आपको चीज़ें दिखानी थी जो जो मैंने यहाँ पे मतलब जो फेस्ट लगा था वहाँ से ख़रीदी थी, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये फ्लैग लिया, जो एक शॉप थी स्टार्टिंग में घुसते ही, उसका आपने क्लिप देखा होगा मतलब व्लॉग में, तो इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तो मतलब यही वो इंडिया का फ्लैग है, सिंपल सा जैसा होता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ये लंबा है, आई गेस ये 1.5 मीटर लंबा है। तो ये मैंने ले लिया बिकॉज ये काफ़ी काम आता है एंड यहाँ पे जल्दी से मिलता नहीं है। एंड इसके जो साइड्स है ना, तो ये पूरा प्रॉपर फ्लैग जैसा है, मतलब इसके एक साइड में ये पूरे देखो आप होल्स बने हुए हैं, ताकि आप इसको मतलब एक साइड से ना ऐसे मतलब किसी लकड़ी पे या किसी जैसे स्टैंड पे आप इसको टांग सकते हो, फ्लैग होस्टिंग भी कर सकते हो इससे। तो इसीलिए मैंने ख़रीद लिया, और ये मुझे पड़ा था 10 यूरोज़ का। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे कभी इंडिपेंडेंस डे होता है या फिर
कोई भी पेट्रियाटिक डे है या कुछ भी हमें सेलिब्रेट करना है तो यहाँ पे नहीं मिलते इंडिया के फ्लैग्स। जर्मन वाले फ्लैग्स तो आपको मिल जाएंगे बट इंडिया के नहीं मिलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो 10 यूरो के हिसाब से काफ़ी मेरे को चीप लगा। एंड उसके अलावा मैंने ये बैग ख़रीदा, ये स्लिंग बैग है, आप देख सकते हो ऐसे, मतलब रेड कलर का, बहुत ही क्यूट कलर है, मुझे एक ही बार में पसंद आ गया। तो ये भी मुझे 10 यूरोज में मिला। एंड यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ तो दिल्ली में आप जाओगे, पल्टन बाज़ार देहरादून में जाओगे तो आपको ऐसी ही मिल जाएंगे, मतलब कोई नहीं पूछता इनको 100-200 रुपये में, या मैक्सिमम 300, या अगर चलो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा तो 500 तक, तो मतलब इतने तक तो मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे मतलब यही सब चीज़ें, अगर आप छोटा क्लच ख़रीदोगे लाइक जो कार्ड्स वगैरह रखने का होता है तो वही यहाँ पे 5 यूरो का मिलता है। तो फिर इसीलिए मुझे वर्थ लगा, क्योंकि ये बड़ा है, आप देख सकते हो काफ़ी 10 यूरोज़ का है। और इसको आप यहाँ से आप देख सकते हो ये चीज़ें निकाल के, अब इसको नॉर्मल, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये इसका खोल के आप इसको नॉर्मल हैंड में भी कैरी कर सकते हो, ऐसे हैंड पर्स एंड स्लिंग के तरह भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें आप देख सकते हो, बेसिकली मैंने ये क्यों ख़रीदा, क्योंकि मुझे फ़ोन रखने के लिए चाहिए था एज ए छोटा सा पर्स, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े पर्स मेरे को ले जाना पसंद नहीं है बहुत जगह पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो ठीक है, बट अगर मैं वैसे ही कहीं पर जा रही हूँ तो मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो इसीलिए मेरे को ऐसे पॉकेट फ्रेंडली और मतलब छोटे छोटे कैरेबल, मतलब जो पर्सेज होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, जिसमें स्पेस भी होता है, छोटे भी होते हैं और कम्फर्टेबल होते हैं कैरी करने के लिए, पोर्टेबल से। तो इसके में सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक यहाँ पे इसका पाउच है, तो इसमें आप फ़ोन रख सकते हो। एंड देन इसमें एक बड़ी सी चेन दे रखी है, तो इस अगर आप जिप को खोलोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे पॉकेट्स हैं, एक यहाँ पे है, फिर बीच में पार्टीशन है एक यहाँ पे, एंड बीच में यहाँ पे छोटी एक और जिप है जिसमें आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। इवन मैंने नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा गई थी, मैं 2 दिन गई थी मेले में, तो फर्स्ट डे गई थी तो मैंने ख़रीदा था, सेकेंड डे मैंने इनको इसको मैं लेके भी गई थी, मतलब मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद यहाँ पे इसके थर्ड, उसमें आपको यहाँ पे पूरे कार्ड का मतलब मिल जाएगा सेक्शन, जहाँ पे आप कार्ड रख सकते हो, तो काफ़ी मेरे को सही लगा, मतलब काफ़ी, मतलब 10 यूरो में बहुत हैंडी है ये, एंड काफ़ी मतलब स्पेशियस भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेस नहीं है। और कलर एंड क्वालिटी के हिसाब से मतलब ये लेदर है, अब ये नहीं पता प्योर लेदर है कि नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है। तो ये था। तो गाइज मैंने जो थर्ड चीज़ ली वो ये मतलब कीरिंग लिया है मैंने, आप देख सकते हो, तो इसमें ऐसे एलिफेंट का ये फेस बना हुआ है। एंड इसमें आप देख सकते हो एक ये मतलब लाइक इसमें आप बहुत सारे कीज़ को लगा सकते हो। एंड यहाँ पे आप इसको ना जैसे लोग पॉकेट्स वगैरह में टांगते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने पर्स के साइड में इसको टांग सकती हूँ, मतलब कहीं पे इसको मतलब ऐसे लॉक कर सकती हूँ, ये ऐसे लॉक किया हुआ है। एंड काफ़ी अच्छा लगा ये की रिंग भी मेरे को। एंड इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब एक्सटेंशंस हैं, मतलब इसमें आप और भी अटका सकते हो, जैसे 4-5 तो आप आराम से अटका सकते हो कीज़, बल्कि ज़्यादा भी अटका सकते हो। और इसको देख के मतलब इंडिया की वाइब आ रही थी एकदम, आप देख सकते हो इसका लग रहा है ना एकदम मेटालिक सा है ना, ब्लैक मेटल, और बिल्कुल इसका ऐसा लुक आ रहा था इंडिया वाला, मतलब जैसे गणेश जी वाला फील आ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। एंड ये था 5 यूरोज़ का, एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। तो बस यही सब था जो मैंने लिया मेले से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं जर्मनी के, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इससे मिल पाती हो। अगर अच्छा लगा मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड अपकमिंग बहुत सारे मतलब लिस्टेड वीडियोज़ मैंने प्लान कर रखे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे इवन बहुत ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियो आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो अपने घरों पे, सब लोग स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो। तो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।